अनोला साहब, आप जानते हैं कि मुआशियत और इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। इन्होंने किया है। मुआशियत अगर ठीक आपकी नहीं है, आपका डिफेंस ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ कोई मिसा के मुआशियत करके को ऐसा सिलसिला करके आप इसको तो आगे लाएं। नहीं, मुल्क का मसला सुन ले ना, सुन ले। हाँ। सबसे पहली जो स्पीच है लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसको निकाल ले। हाँ, उन्होंने कहा है, लेकिन आगे बढ़ी सुन ले ना। उन्होंने कहा कि ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो अपनी डकैती छुपाने के लिए हमारे साथ बैठना चाहता है, हम क्यों बैठे हैं इसके साथ। हालत ये है यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि इलेक्शन कमीशन के दो मेंबर्स इस वक्त शॉर्ट हैं। इलेक्शन कमीशन इज़ इनकम्प्लीट एंड इलेक्शन कमीशन कॉन्ट वर्क कॉन्स्टिट्यूशनली व्हेन द वैकेंसीज आर वेकेंट देयर। और उसमें आर्टिकल 213 है कि प्राइम मिनिस्टर ने कंसल्टेशन करनी है नाम फॉरवर्ड करने से पहले। उसने कंसल्टेशन नहीं की, वो नहीं करना चाहता, और वो इस बात पे जिद है कि मैंने टेलीफोनिकली भी नहीं कंसल्टेशन करनी, मिलके कंसल्टेशन करना तो बहुत दूर की बात है।